सीरियल एक दूजे के वास्ते में सुमन का एक्सीडेंट हो गया है, जिसके बाद श्रवण सुमन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर गया। डॉक्टर्स ने सभी को बताया कि सुमन को अब पैरालिसिस हो गया है। इस बात को सुनने के बाद सबसे ज्यादा शॉक तो श्रवण को लगा है। श्रवण अपने आप को सुमन का गुनहगार मान बैठा है। जिस वक्त ये एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त श्रवण भी वहीं मौजूद था, और इसलिए उसका मानना है कि अगर उसने अहंकार में ना आकर सुमन को वार्न किया होता तो सुमन के साथ इतना खतरनाक हादसा नहीं होता। अब सुमन अपने पैरालिसिस की खबर से उबरने की कोशिश करेगी। किसी की भी मदद ना लेकर, यहाँ तक कि श्रवण की मदद भी नहीं लेकर सुमन अपने आप को ठीक करने की कोशिश करेगी। पर श्रवण ने ठान लिया है कि जब तक सुमन ठीक नहीं हो जाती वो उसके पास रहकर उसे सहारा देगा। तो आइए आपको इस शो के सेट पर ले चलते हैं, जहां इस सीन की शूटिंग हो रही है। साथ ही सुमन से सुनते हैं कि उनका अपने हालात के बारे में क्या कहना है। अभी फिलहाल तो मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, क्योंकि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है, और जैसे आप देख रहे हैं सर पे चोट है, सो जिसकी वजह से आई थिंक पार्शियल पैरालिसिस जिसको बोलते हैं वो हो गया है। मेरे हाथ ठीक से हिल नहीं रहे, तो अभी फ़िलहाल तो हम वही शूट कर रहे हैं। काफ़ी जगह मैं ट्राई कर रही हूँ अपने आप को रिकवरी का, लेकिन हो नहीं रही है मुझसे, सो दैट्स व्हाई शूट कर रहे हैं आगे। यू नो ऑनेस्टली मुझे खुद नहीं समझ आ रहा आगे होने क्या वाला है, विश आई न्यू आई कुड टेल यू ऑल, पर जितना मुझे लगता है अभी नोइंग सुमन जिस तरह की लड़की है वो, शी इज़ समबडी जिसको किसी की हेल्प देना बिल्कुल पसंद नहीं। तो अगर ऐसी बात आ गई है कि अभी वो खुद से खाना नहीं खा पा रही है, खुद से ये नहीं कर रही है, तो लड़ेगी इसके अगेंस्ट, विल फाइट फॉर सेल्फ, ट्राई टू गेट अ बैक टू नॉर्मल एज़ सून एज़ शी कैन, क्योंकि वो मतलब अपना बिजनेस तक किसी और को चला रही थी, ये सब तो दूर की बात है कि वो किसी और को करने दे। टेलीविजन के मोर अपडेट्स के लिए देखते रहें हमारा चैनल।